तो वहीं बोकारो में राहुल गांधी बोल रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं आइए सुनते हैं। कोई नहीं बता सकता पिछड़े कितने हैं, कोई नहीं बता सकता। आपको अपनी ही आबादी नहीं मालूम, अगर आपको अपनी आबादी नहीं मालूम तो फिर आपकी भागीदारी क्या होनी चाहिए आपको कैसे मालूम होगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी आबादी है और 50% पिछड़ा वर्ग की आबादी है। तो अगला सवाल उठता है, अगर देश में 50% पिछड़ा वर्ग है, 8% आदिवासी वर्ग है और 15% दलित वर्ग है, उसमें 15% माइनॉरिटी और जोड़ दो तो फिर इनकी भागीदारी कितनी है? दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी है? और सबसे जरूरी सवाल, पिछड़े वर्ग की इस देश में कितनी भागीदारी है? भाई और बहनों, आप मीडिया देखते हो, हर रोज शाम को टीवी पे डिस्कशन होता है, एंकर्स के चेहरे आप देखते हो, पत्रकारों के शब्द आप सुनते हो, पढ़ते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मीडिया में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, कितने हैं? आदिवासी दलित मीडिया में आपको कितने दिखाई देते हैं? एक नहीं दिखेगा, क्योंकि मीडिया में ना दलित है, ना आदिवासी है, ना पिछड़े वर्ग का कोई है। वही हालत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक की लिस्ट निकालो, वहां आपको पिछड़ा वर्ग का कोई नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, आदिवासी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको कोई पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा, कोई दलित नहीं मिलेगा, कोई आदिवासी नहीं मिलेगा। सरकार में, दिल्ली की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। मैंने पता लगाया, ये 90 लोग बजट बांटते हैं, जो आपके जेब में से जीएसटी का पैसा लिया जाता है। हर साल हिंदुस्तान की सरकार बजट बनाती है, उस पैसे को बांटती है। मैंने पता लगाया, 90 लोग निर्णय लेते हैं पैसा कहां जाएगा, झारखंड कितना आएगा, सड़क बनाने में कितना जाएगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, डिफेंस में कितना जाएगा। भाई और बहनों, आप हैरान हो जाओगे, 90 अफसरों में से